27 फीट बाई 40 फीट हाउस प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसका एरिया है 1080 स्क्वायर फीट। 1080 स्क्वायर फीट के अंदर 27 बाई 40 का प्लॉट है, तो इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले एक चीज़ बता देते हैं, यहीं पे जो बिल्डिंग कॉस्ट है, यहीं पे बिल्डिंग कॉस्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो इस बिल्डिंग बनाने में आपको 15 लाख खर्च करना पड़ेगा ओनली ग्राउंड फ्लोर में टोटल फिनिशिंग के साथ। तो कितना बिल्डअप एरिया आ रहा है, 1080 1080 स्क्वायर फीट के अंदर ये बिल्डिंग आप तैयार कर सकते हैं ओनली 15 लाख में। तो यहीं पे जो वॉल का पोजीशन है वो भी ड्रा कर लेंगे, साथ साथ जितना विंडो प्रोवाइड किया वो भी दिखा देंगे। तो इस तरफ हमारा विंडो का पोजीशन आ जाएगा। तो जिधर जिधर देखिए ब्लैंक छोड़ रहे हैं वहीं पे आ जाएगा विंडो का एंड वेंटिलेशन का लेआउट। तो आउटसाइड का चौड़ा वाला वॉल 10 इंच प्रोवाइड किया और इनसाइड में 5 इंच का वॉल यहीं पे प्रोवाइड कर दिया। तो इनसाइड में डोर का पोजीशन भी आपका नज़र में आ जाएगा। तो 3 बेडरूम के साथ इसको डिजाइन किया है। 3 बेडरूम रहेगा, एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, किचन एंड स्टेयर हॉल के साथ इसको टोटली मिलने वाला है। तो विंडो को अंत तक देखते रहिए। तो विंडो का पोजीशन जो है, ये सब साइड का विंडो का लेआउट प्रोवाइड किया। ये बेडरूम का लेआउट है, यहाँ वेंटिलेशन आएगा 2 टॉयलेट का, यहीं पे किचन का किचन का विंडो है और ये स्टेयर हॉल का, और यहीं पे जो बेडरूम है इसका विंडो इस तरफ है। तो मेन एंट्री हमारा इस तरफ रहेगा। इस तरफ जो है एक छोटा सा प्रोच यहीं पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा राइटिंग कर देते हैं, यहीं पे आएगा प्रोच, पे पोर्च है, यहीं पे स्टेयर चढ़ के यहीं पे पोर्च में आना है। इसके बाद यहीं पे मेंडर रहेगा। मेंडर क्रॉस करने के बाद आपको राइट साइड में एक स्टेयर रूम मिल जाएगा। इस तरफ उसका हाफ रहेगा और ऐसा घूम के इस तरफ डाउन रहेगा। तो नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा बेडरूम। यहीं पे बेडरूम, और इस तरफ आएगा किचन। नेक्स्ट यहीं पे डाइनिंग हॉल। लिविंग कम डाइनिंग हॉल, और इस तरफ आएगा एक बेडरूम, यहीं पे एक बेडरूम, यहीं पे टॉयलेट, यहीं पे कॉमन टॉयलेट, लैट्रिन कम बाथ इसको कंबाइन कर दिया गया। और इस तरफ आ जाएगा अटैच टॉयलेट, यहीं पे अटैच टॉयलेट। तो इसका जो मेजरमेंट का डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो बेडरूम का मेजरमेंट आ जाएगा इस तरफ 12 फीट और चौड़ाई जो है इस तरफ 10 फीट। ये बेडरूम यहीं पे आ जाएगा लिविंग कम डाइनिंग हॉल। इसका साइज 13 फीट 7 इंच बाई विथ मिलेगा 14 फीट 11 इंच। तो बड़ा सा हॉल है। और ये बेडरूम का साइज 10 फीट और 10 फीट, और इस तरफ आ जाएगा 11 फीट 7 इंच। तो इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका विथ मिल जाएगा 4 फीट 6 इंच, और इस तरफ आ जाएगा 6 फीट। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पे जो कॉमन टॉयलेट है उसका साइज 4 फीट 6 इंच और विथ जो है 8 फीट 6 इंच, और किचन
किचन मिल जाएगा 9 फीट 1 इंच और इस तरफ 10 फीट 5 इंच, तो बड़ा सा किचन हॉल हो गया। नेक्स्ट है बेडरूम, 10 फीट बाय इस तरफ आ जाएगा 12 फीट, तो पोर्च का विड्थ आपको मिल जाएगा 3 फीट 10 इंच और इस तरफ आ जाएगा 13 फीट 4 इंच। तो इस तरफ आपका स्टेयर हॉल भी मिल जा रहा है, स्टेयर हॉल का विड्थ हमने रखा है 7 फीट 9 इंच और लेंथ हो जाएगा 11 फीट 4 इंच। इसके अंदर 3 फ्लैट में आपको स्टेयर बनाना पड़ेगा। तो ये गया हमारा कंप्लीट मेजरमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट चलते हैं इसका कॉलम पोजीशन में। सो गाइस, ये हो गया कॉलम का पोजीशन है, येलो कलर का बॉक्स देखिए, इस तरफ 4, यहीं पे 2, यहीं पे 2, इस तरफ 2 और इस लाइन बराबर 3, इस तरफ यहीं पे स्टेयर के लिए प्रोवाइड किया और इस तरफ ये लाइन बराबर 3, टोटल यहीं पे 17 नंबर्स कॉलम यहीं पे आएगा 17। 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड करना है G+1 के लिए। अगर आपका बिल्डिंग थोड़ा बड़ा है, हाइट थोड़ा बढ़ाना है और एक फ्लोर बनाना है, तो इस हिसाब से कॉलम का पोजीशन भी एंड लेआउट कॉलम का साइज भी चेंज हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, तो अगर अच्छा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दूसरा कोई न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।